देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। एडीजी अशोक कुमार अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड ने दिनांक 25 जनवरी 2018 को प्रदर्शित होने वाली फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन किए जाने पर तोड़फोड़ आदि करने की विभिन्न संगठनों की धमकियों के दृष्टिगत एक बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान हिंसा किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी के द्वारा ऐसी कोई घटना किए जाने का प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में गढ़वाल एवं कुमाऊं परिक्षेत्र व सभी जनपद प्रभारियों को इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि दिनांक 18 जनवरी 2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय फिल्म पद्मावत के संबंध में निर्देश दिए हैं जिनका पूर्णतः पालन किया जाएगा। आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उनका सम्मान करें और ये मूवी अगर प्रदर्शित होती है तो इसको लेकर किसी तरह का हिंसात्मक कार्य ना करें। देखिए, हम लोग लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का हर किसी को हक है, किंतु एक जब माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो गया कि फिल्म प्रदर्शित होगी तो उसमें जो देखने जाने वाले हैं उनको किसी तरह से न रोका जाए, किसी भी तरह की हिंसा तोड़फोड़ आदि नहीं होनी चाहिए। अन्यथा हमें अगर ऐसा होता है तो बहुत कठोर कदम लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा कोई भी आदमी जो किसी भी तरह की हिंसा में इन्वॉल्व होता है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।